अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का जो विज़िट है वो बैंफ का है। बैंफ में गुंडोला जो केबल कार है उसका विज़िट है, तो आप इंजॉय करें। केबल कार जो है वो बहुत हाइट पे है और उसका उसकी हाइट वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और हम लोग जो पहले बैंफ के डाउनटाउन में और उसके बाद हम केबल कार के लिए हम लोग गंडोला पहुँचे। ये हम गंडोला की साइड पे ही जा रहे हैं, वो थोड़ा आगे करके है क्योंकि बैंफ में ही सारे लेक्स हैं, सारे रिवर हैं और सारी जो विजिटिंग प्लेस हैं वो बैंफ के अंदर हैं और दूसरा जैस्पर में है। तो ये हम गंडोला साइड पर जा रहे हैं। ऊपर जा के बड़ा प्यारा व्यू है और रोड बहुत ईजी हैं और खुले खुले रोड हैं और बड़े ही प्यारे रोड बने हुए हैं और साइडों का जो व्यू है वो बहुत प्यारा है। तो हम पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं सामने केबल कार आ रही हैं और जा रही हैं, तो उसको आप इंजॉय करें। हम लोगों ने जो टिकट्स हैं वो ऑनलाइन बुक की थी, जिसकी वजह से रश तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि आजकल सीज़न था और रश बहुत ज़्यादा था, गैदरिंग थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई थी। लेकिन हमारी ऑनलाइन बुकिंग थी तो ऑनलाइन की जो साइड है वो सेपरेट लाइन होती है, तो जब भी कभी जाएं तो बुकिंग ऑनलाइन ही कर लें ताकि फिर टाइम की भी बचत हो जाती है और केबल कार में आसानी से जल्दी बंदा होके वापस आ सकता है। तो हम लोग ऑनलाइन बुकिंग थी तो हमारी जो सेपरेट लाइन थी उसी में हम लोग जल्दी चले गए थे और हमारी जो है वो जल्दी केबल कार तक हम पहुंच गए थे। इसकी बुकिंग में पर पर्सन के हिसाब से भी टिकट है और पैकेज के हिसाब से भी, फैमिली या दोस्तों का पैकेज जो है वो बेस्ट रहता है क्योंकि उसमें थोड़ा टिकट जो है वो एक्सपेंसिव भी हो जाती है, इतना ज़्यादा पैकेज जो है वो थोड़ा आपको अच्छा भी अच्छे रेट में मिल जाता है। साइलेंस और तो जब हाइट पे जा रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था और डर भी लग रहा था, तो सभी डर भी रहे थे क्योंकि जाहिर है साइडों पे जो पहाड़ थे काफ़ी ऊंचाई पे उन्होंने बनाई हुई है केबल कार। पहाड़ों का सीन था ऊपर जा के लिफ्ट के अंदर से केबल कार के अंदर से अमेजिंग था। साइड से पूरा आपको बैंफ और पूरा बैंफ नज़र आ रहा था। तो फिर जब हम केबल कार से उतरे थे तो बड़ा अच्छा प्यारा सा म्यूज़िक चल रहा था, तो वो मुझे बंद करना पड़ा। तो उसके बाद फिर ये इसका फर्स्ट फ्लोर था, पहले फ़र्स्ट फ्लोर पे हम लोग गए और आगे वो जा सकते थे उस पहाड़ तक जा रहे थे, लेकिन वो बाय वॉक था, वो ब्रिजेस जो बने हुए हैं ना ब्रिज के ऊपर से चल चल के जाना था। तो वो बच्चे गए थे, वो हम नहीं गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू था। इस पहाड़ तक जाना था बाय वॉक,
तो वो सारे ही जा रहे थे जिस जिसने जाना था। वो काफ़ी वो भी ऊंचाई पे था, वो बाय वॉक और ब्रिज के ऊपर से जाके था, तो उधर से जाके भी वो एक हाइट, और हम जो पहाड़ों की हाइट पे तकरीबन उस लेवल पे पहुंच चुके हुए थे, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर था केबल कार का, और इसके ऊपर जो था वो रेस्टोरेंट था, और उसके ऊपर फिर प्लस वन एक और फ्लोर था और ज़्यादा हाइट पे था, वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी पहाड़ों का ये जो सीन था स्मूथ, इतना प्यारा और इतना ऐसे अच्छा लग रहा था ना, कि हर हर पहाड़ जो है वो आपको नज़र आ रहा था जो कि, और इधर ये पहाड़ों का पूरी डिटेल लिखी हुई थी कि कौन से पहाड़ की माउंटेन की कितनी हाइट है और वो कब का है, और ये पूरी डिटेल थी इधर। सारे पहाड़ जो हमारे सामने नज़र आ रहे थे, जिस पे ये बिल्डिंग थी जिस पे उन्होंने केबल कार का जो स्टॉप बनाया हुआ था, उसकी भी हाइट जो काफ़ी ज़्यादा हाइट थी, 2000 से भी अबव थी, तकरीबन 2500 और कुछ करके थी, तो काफ़ी ज़्यादा थी। और ये नीचे जो रिवर है उसके कलर देखें आप, इतने प्यारे लग रहे थे, कोई ब्लू शेड में था, कोई ग्रीन में था, और जो बिल्डिंग्स थी वो बिल्कुल ऐसे जन्नत का नज़ारा पेश कर रहा है, पूरा ऐसे पूरा एरिया, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेचुरल ब्यूटी है। इस इधर तकरीबन ये जो सारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, जो जब विंटर आता है तो इधर पूरे वाइट होता है, स्नो में इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि हर चीज़ जो है फ्रीज़ हो चुकी होती है, पानी का भी वो व्यू नहीं होता, ट्रीज़ का भी वो व्यू नहीं होता, लेकिन जो समर है वो बेस्ट टाइम है विजिटिंग के लिए। और पानी जो नेचुरल ब्यूटी है वो तो पानी और जो ट्रीज़ हैं उनकी है और ग्रीनरी की है, क्योंकि विंटर में भी कुछ विजिटर जाते हैं लेकिन बहुत कम जाते हैं, क्योंकि विंटर में रेट जो हैं वो कम होते हैं, बैंफ की एंट्री टिकट कम होती है, पूरे जो नेशनल पार्क हैं इनकी एंट्री टिकट होती है और वो तकरीबन $21 है इनकी एंट्रेंस पे जो होती है। उसके बाद आप जिधर मर्जी जाएँ, गुंडोला जाएँ, आगे लेक लुइस जाएँ, वो सारा फिर उसी एरिया में ही आता है। तो फिर आगे केबल कार का ये ऊपर जाके ब्रिज से बड़ा प्यारा व्यू था, ये भी मैंने कैप्चर किया आप सबके लिए। उसके बाद फिर हम उधर काफ़ी देर स्टे किया ऊपर, और ऊपर वाले फ्लोर पे भी गए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो गई थी और मैंने इसको 2 एपिसोड में डिवाइड किया है, तो आप इसको एंजॉय करें। तो मैं फिर नेक्स्ट में जो ऊपर वाला वो फ्लोर और वो सेकंड फ्लोर और वो सारा आपको दिखाऊंगी। अंदर शॉप्स भी थी, जैसे हमारे मरी में उधर ऊपर जाएं पत्रियाटा में, तो उधर भी शॉप्स वगैरह हैं, अगर कुछ विजिटर ने लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो ये धूप निकली हुई थी, वेदर बहुत अच्छा था, ना ठंड थी ना गर्मी थी, लेकिन ये है कि धूप में बस थोड़ा सा हवा जो थी वो ठंडी थी, वो भी ऊपर हाइट पे जाके। तो ये बड़ा प्यारा व्यू था, केबल कार जो थी बिल्कुल भी वो ऐसे नहीं थी कि जैसे वो झटका सा लगता है, बड़ी स्मूथ और बड़ी अच्छी केबल कार गंडोला की, बड़ा ही प्यारा व्यू था। और ऊपर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग थी। ये फिर वही दूसरी साइड पे मैं आई हूँ, ये 2990 ये इस पहाड़ की जो थी वो हाइट थी, और ये कब का था, 1858 का। और ये जो सारी माउंटेन्स हैं उनकी जो लाइफ है और वो उनकी हर चीज़। नेक्स्ट वीडियो के तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।